हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो ऑफ SST वी हैड डिस्कस अबाउट द चैप्टर वन. द चैप्टर वन वॉज द ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके, इन लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द ग्लोब. ओके, लैटिट्यूड्स, हाँ, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा था. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स. वॉट आर लॉन्गिट्यूड? द सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर लाइन्स दैट आर ड्रॉन फ्राम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ये जो ग्लोब है आपका, इस ग्लोब पे ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये जो आप लाइन्स होते हैं ना, सेमी सर्कुलर लाइन्स होते हैं, इसे बोलते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस बोलते हैं. ओके, ऑल दीज लाइन्स आर ऑफ द सेम लेंथ. ये जो आप देख रहे हैं लाइन्स, इसकी लेंथ इक्वल होती है. दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं. दे मीट एट द पोल्स. ये कहाँ पे मिलते हैं? पोल्स पे मिलते हैं. देखिए, ये जो है ना नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल. ओके, देखिए नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर ही नहीं मिल रहा है, बीच में तो इंट्रैक्ट हो नहीं रहे हैं. द मेरिडियंस आर ऑल्सो नंबर्ड इन डिग्री. मेरिडियंस को भी हम लैटिट्यूड की तरह डिग्री में काउंट करते हैं, नंबर करते हैं. सिंस द अर्थ इज़ राउंड, क्योंकि अर्थ हमारा राउंड है, वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू 360 डिग्री. तो अर्थ को हम 360 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं एंड ड्रॉ 360 मेरिडियंस ऑन इट. इसलिए इस पर कितने मेरिडियंस को ड्रॉ किया जा सकता है? 360 को. ठीक है, किस पे? ग्लोब पे. इट हैज़ बीन एग्रीड टू यूज़ द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड. ठीक है, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जीरो मेरिडियन. जो ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ से जो स्टार्ट होती है ये लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री मेरिडियन होती है. ओके, आगे देखिए. द 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन. जो 0 डिग्री मेरिडियन है वो कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, या तो प्राइम मेरिडियन कहते हैं. ओके, लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच. जो लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में है ग्रीनविच के, उसे बोलते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब कि ई से डिनोट करते हैं उसको. ओके, एंड दोज टू द वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच. और जो ग्रीनविच के वेस्ट में है उसे वेस्ट ग्रीनविच कहते हैं. इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. क्यों? क्योंकि डब्ल्यू से वेस्ट हो गया और ई से ईस्ट हो गया. आगे देखिए, आगे है. देयर आर 180 मेरिडियंस टू द ईस्ट. दे हैव ई रिटेन आफ्टर डैम. देखिए कितने मेरिडियंस हैं ईस्ट में? 180 ईस्ट में होंगे, जिसको हम ई से लिखेंगे. तो 180 के बाद हम क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे. 180 मेरिडियंस ई इज लोकेटेड एग्जैक्टली अपोजिट टू द 0 मेरिडियन. जो 0 मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के अपोजिट में होगा. जैसे देखिए, मैं आपको फिगर से समझाती हूँ. जैसे कि होगा ना, तो ये इधर 180 होगा, इधर 180 होगा. जो ईस्ट में होगा उस वहाँ पे ई लिखेंगे 180, जो वेस्ट में होगा 180 डब्लू लिखेंगे. द हेमिस्फीयर टू द ईस्ट ऑफ द 0 डिग्री इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. मैंने बताया ना, जो ईस्ट, जो हेमिस्फीयर के ईस्ट में होगा 0 डिग्री के, उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे. और जो हेमिस्फीयर वेस्ट में होगा में, उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ओके, द 0 डिग्री एंड द 180 डिग्री मेरिडियंस आर कॉमन इन बोथ. जो 0 डिग्री है और 180 जो मेरिडियंस है, ये कॉमन होता है दोनों में. कहाँ? ईस्टर्न में भी और वेस्टर्न में भी. टुगेदर दे डिवाइड द अर्थ वर्टिकली. ये एक साथ मिलके अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट्स में? 2 इक्वल हाफ में. ठीक है, तो इस प्रकार ये कितने होते हैं? 360 मेरिडियंस पूरे होते हैं. मैं फिगर से फिर से समझाती हूँ आपको. देखिए, ये देख रहे हैं ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो जा रहा है, ये बीच में जो है ये 0 हो गया, 180 इधर, 180 इधर. आप आया समझ में? फिर देखिए, आगे देखिए. अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लोकेटिंग प्लेस. प्लेस के बारे में लोकेट करना ना, प्लेस के बारे में जानना. देखिए, लोकेटिंग प्लेस. अब हम ये जानेंगे किसी जगह के प्लेस को कैसे लोकेट किया जाता है. द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजरी लाइन्स.
देखिए जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइनें दिखाई देती हैं वो इमेजरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पे, मैप पे और चार्ट्स पे बनाए जाते हैं। किस लिए? टू लोकेट द पोजिशन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द मैप या ग्लोब, ग्लोब पे या मैप पे डिफरेंट जगह की लोकेशन के बारे में जानने के लिए, ठीक है। दीज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। ये जो लाइन्स होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के, वो एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं? राइट एंगल, एंड फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ नेट कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड द ग्रिड। मतलब जिस जगह ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं, ग्लोब पे या मैप पे ग्रिड बोलते हैं। देखिए ये, देखिए ये ऐसे लाइनें होती हैं ना, और उसके बाद आपने देखा था ऐसे भी होता है लैटिट्यूड, तो जिस जगह पे ये क्रॉस करती है उसे क्या बोलते हैं? इस एरिया को टच होती है ना, इसे ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। वी कैन फाइंड और लोकेट प्लेस ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड। हम लोग मैप पे इस जगह को पता कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, किसके हेल्प से? इसी ग्रिड के हेल्प से। फॉर लोकेटिंग अ प्लेस करेक्टली इट इज़ नॉट एनफ टू नो ओनली द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। देखिए किसी जगह को करेक्टली लोकेट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही जाने। इनफैक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ बोथ लाइन्स। ये भी जानना ज़रूरी है किसके बारे में? द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, वो पॉइंट जहाँ बोथ द लाइन, जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने बताया ना, यहाँ पे ये ऐसे बने होते हैं ना, और फिर ऐसे ऐसे भी, तो जिस जगह ये इस पार्ट को कह रहा है कि इसको जानना भी ज़रूरी होता है। ओके आगे देखिए, डिड यू नो, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? देखिए इट टेक्स 4 मिनट्स फॉर द अर्थ टू रोटेट थ्रू 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो अर्थ है वह 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स लेता है, ठीक है। और यदि इफ़ अ प्लेस इज 15 डिग्री अवे फ्रॉम यू, अगर 15 डिग्री अवे है तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे, वहाँ का टाइम कैसे होगा? 15 डिग्री में हम 4 मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट। मतलब कि जो 15 डिग्री आपसे जगह दूर होगा वहाँ का जो टाइम होगा वो आपसे 60 मिनट्स, 1 घंटे ज़्यादा होगा। इस प्रकार कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं? यूनिफॉर्म टाइम सब जगह यूज़ करते हैं ताकि किसी तरह का कोई डिफरेंस ना हो। इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST का फॉलो किया जाता है। जो हम लोग टाइम देखते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग है। थ्रू आउट द कंट्री विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ, किसके बेसिक पे कैलकुलेट होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिंग नियर प्रयागराज। जो कहाँ से पास होता है? प्रयागराज UP में, ठीक है, नैनी एक जगह का नाम है, वहाँ से ये पास होता है। आगे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल द लैटिट्यूड ऑफ चेन्नई इज़ 13 डिग्री नॉर्थ ओके ऑफ द इक्वेटर एंड द लॉन्गिट्यूड इज़ 80 डिग्री ईस्ट। जो लैटिट्यूड होता है चेन्नई का वो 13 डिग्री नॉर्थ क्यों है? क्योंकि वो नॉर्थ में है, ऑफ द इक्वेटर के नॉर्थ में है, एंड द लॉन्गिट्यूड्स क्या है इसका? 80 डिग्री ईस्ट है। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, वह पॉइंट जहाँ ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वह एग्जैक्ट लोकेशन होगा चेन्नई का, मैप पे या ग्लोब पे। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय, आप इसे रिवाइज करिए, पढ़िए।